प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से, जहां हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार के काम को सराहा है। उन्होंने इस अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मेडिकल स्टाफ का आभार जताया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पंचकुला के गाँव खोई, बगारनी और ढकरोग में 100% तक कोविड का टीकाकरण हुआ है। वहीं इस दौरान उन्होंने पंचकुला में जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए प्रबंधों का दावा किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचकुला में फॉगिंग के काम में भी तेजी लाई जाएगी। ये सब की बड़ी खबर है जो पंचकुला से आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वैक्सीनेशन के अभियान को सराहा है और इसे लेकर उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार का आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के तमाम मेडिकल स्टाफ का आभार जताया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला के गांव खोई, बगानी और ढकरोग में 100% तक कोविड का टीकाकरण सफलतापूर्वक हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है ज्ञानचंद गुप्ता का। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से, जहां हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार के काम को सराहा है। उन्होंने इस अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मेडिकल स्टाफ का आभार जताया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पंचकुला के गांव खोई, बगारनी और ढकरोग में 100% तक कोविड का टीकाकरण हुआ है। वहीं इस दौरान उन्होंने पंचकुला में जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए प्रबंधों का दावा किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचकुला में फॉगिंग के काम में भी तेजी लाई जाएगी। ये सब की बड़ी खबर है जो पंचकुला से आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वैक्सीनेशन के अभियान को सराहा है और इसे लेकर उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार का आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के तमाम मेडिकल स्टाफ का आभार जताया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला के गांव खोई, बगारनी और ढकरोग में 100% तक कोविड का टीकाकरण सफलतापूर्वक हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है ज्ञानचंद गुप्ता का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जिस प्रकार से हमारे देश के सभी डॉक्टर्स ने इस कोविड को भगाने के लिए जो वैक्सीनेशन जिस स्तर तक की है, जिस प्रकार से मेहनत करके की है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और देश के सभी वो जो कार्यकर्ता, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो और स्टाफ के मेंबर्स हैं या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने विशेष रूप से इस कोविड को भगाने के लिए वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोजेज जो हैं पूरे देश में लग चुके हैं। ये मैं समझता हूं, कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न जैसा दिखाई दे रहा है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो कंट्री जो अपने आप को बहुत एडवांस्ड कहते हैं मेडिकल लाइन के अंदर, मेडिकल सेवाओं के अंदर, वो देश भी आज इतना अचीव नहीं कर पाए। अमेरिका जैसा देश अभी भी कोविड को लेकर के जूझ रहा है। बहुत सारे उनके राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोविड जो है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा है, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगाई गई और 100 करोड़ का जो टारगेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पंचकुला में भी हमने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। अभी तक टोटल 7,20,000 के करीब जो वैक्सीनेशन हो चुकी है और उसमें से जो पहली डोज है वो लगभग 4.5 लाख और जो सेकेंड डोज है वो 2,65,000। इतनी संख्या में वैक्सीनेशन यहाँ पंचकुला जिला के अंदर हुई है और अभी भी प्रयास हमारे जारी है। और अभी 2 गांव ऐसे हैं जहां पर 100% वैक्सीनेशन, जहां पहला डोज भी और दूसरा डोज भी, उन दोनों गांवों के अंदर 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। मैं इसके लिए डॉक्टर
जो हमारे सीएमओ हैं डॉक्टर मुक्ता जी, उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक कार्य जो है इस कोविड को भगाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए